हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं केवीएस स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट की आई हुई एक नई अपडेट के बारे में, जिसमें 987 पीआरटी एंड टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया जा चुका है रिक्रूटमेंट रूल बनाने का और फाइनल नोटिफिकेशन निकालने का विद इन टाइमलाइन जो भी दी गई है। तो साथ में बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने में कितना समय और लग सकता है, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक किसी साथी द्वारा लगाई गई आरटीआई के बारे में, जिसमें पूछा गया था कि जो कोर्ट द्वारा टाइमलाइन दी गई है नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट निकालने की 987 स्पेशल एजुकेटर पोस्ट के, जो कि 17 नवंबर 2022 डेटेड बताया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग दी गई है, तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है और साथ ही साथ डिटेल ऑफ एक्शन टेकन, जो भी एक्शन लिया गया है उसकी डिटेल पूछी गई है कि पोस्ट क्रिएशन को लेके, रिक्रूटमेंट प्लानिंग को लेके और जो भी स्टेप लिए गए हैं अभी तक उन सभी चीजों को लेके। और पॉइंट नंबर थर्ड में पूछा गया कि अगर कोई डिले हुआ है कोई चीज तो उसके बारे में डिटेल हो ची गई है कि वैकेंसीज को लेके, और अगर कोई डिले हुआ है तो उसकी डिटेल मांगी गई है कि वो क्यों हुआ है, उसका रीजन पूछा गया और वो कब तक रिजोल्व हो जाएगा उस चीज को पूछा गया। तो इसका जो रिप्लाई आया है वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रिप्लाई आया है जिसमें बताया गया है कि जो इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, जो कि एप्लीकेंट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 2F ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005, एज आरटीआई एक्ट इज नॉट ए फॉर्म टू आस्क क्वेश्चंस डिटेल और क्लेरिफिकेशन। तो इसमें बोला गया कि जो ये आरटीआई लगाई गई है और इसमें जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो आरटीआई एक्ट के तहत नहीं आती है, जिसमें हम क्वेश्चन या डिटेल या क्लेरिफिकेशन नहीं पूछ सकते हैं। हालांकि इन्होंने एक पॉजिटिव साइन जरूर दिया है आगे कि हाउएवर द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स इन केवीएस आर अंडर एक्टिव कंसिडरेशन विद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि उनके जो रिक्रूटमेंट रूल है, जो आरआर बनने हैं, वो बन रहे हैं, जो कि एक्टिव कंसीडरेशन विद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंडर बन रहे हैं। तो यहाँ पे बताया इन्होंने बहुत जल्द रिक्रूटमेंट रूल बन जाएंगे और उसके बाद आपको फाइनल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इस आरटीआई की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने कोई ज्यादा मतलब जवाब नहीं दिया है जो चीजें पूछी गई थी, क्योंकि वो आरटीआई एक्ट के अंडर नहीं आ रही थी, परंतु एक पॉजिटिव साइन जरूर दिया है कि रिक्रूटमेंट रूल पे काम चल रहा है और बहुत जल्द आपको केवीएस में स्पेशल एजुकेटर के रिक्रूटमेंट रूल देखने को मिल जाएंगे। और जैसे ही रिक्रूटमेंट रूल बन जाएंगे तो उसके बाद आपको जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने टाइमलाइन दी हुई है और उस टाइमलाइन के अंदर ही केवीएस को सभी काम करने हैं। तो जो कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था, वो हमारे चैनल पे है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए कि कोर्ट ने क्या क्या ऑर्डर दिए थे। और उसके अलावा ये आरटीआई से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिक्रूटमेंट रूल बन रहे हैं और बहुत जल्द आपके सामने भी आ जाएंगे और उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो बहुत सारे साथियों के डाउट आ रहे थे केवीएस स्पेशल एजुकेशन टीचर के रिक्रूटमेंट को लेके, तो ये एक उन सभी साथियों के लिए पॉजिटिव साइन है कि वो अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्द रिक्रूटमेंट रूल बन जाएंगे और उसके बाद फिर फाइनल नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।